नंबर बता दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है जल्दी से। नंबर कितने बच्चे हैं अभी आपके पास, 55 में से कितने बच्चे हैं? कोई दावा आपका आनंद भाई? 22 हमारे पास, आपको बताया कि वर्षा बंगले पर जाकर चिट्ठी दिए हैं, ठीक है। बाकी एमएलए भी आज रात तक और कल दिन तक आ जाएंगे, और अंत में शिंदे जी अकेले ही बचेंगे, ये भी आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, शिंदे अकेले बचेंगे, ठीक है, ठीक है। बोलिए आप अवनीश अवस्थी जी, पहले अमिताभ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अवनीश अवस्थी, शिंदे जी अकेले बचेंगे, सारे वापस आ जाएंगे, सबको मना लिया जाएगा। अमन जी एक बात मैं उन लोगों को बड़े साफ साफ बता दूं जो पीडीपी के बारे में कहते हैं, जो पीडीपी देशद्रोही पार्टी के साथ बीजेपी थी, आज वो पीडीपी साथ में बैठी हुई थी अभी राष्ट्रपति चुनाव के समय में कांग्रेस और तमाम ओपोजिशन पार्टी के साथ, एक बात। दूसरी बात, अगर बीजेपी को सत्ता चाहिए थी तो सत्ता इस समय भी बीजेपी के पास है, उपराज्यपाल और राज्यपाल के माध्यम से तब भी सत्ता ले सकती थी, लेकिन 28 चुने हुए विधायकों को कश्मीर की कश्मीरियत के साथ मिलाकर के चलने की एक कवायद हुई थी, एक कोशिश हुई थी, और उस कोशिश के कारण ही बाद में धारा 370 हटाने पे बीजेपी सफल हो पाई। आप लोग न माने मत माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, मैं अमन जी बड़ी साफ सी बात कह रहा हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं वो कांग्रेस से पूछिए, सावरकर को गद्दार कहने वाले, बाला साहब को याद करके स्मरण करके कहिए जिन्होंने किसकी फोटो पर जूते मारे थे, उनको नहीं लगता था कि जिसने कह दिया मुझे क्या लेना देना, मैं तो सावरकर को मानता हूँ, ये बाला साहब की पार्टी थी, ये बाला साहब का ये विचार था, सावरकर को उनके सामने उनके रहते हुए कोई गद्दार कह दे और उनके सामने खड़ा रह जाए, ये संभव था क्या आनंद दुबे? मुझे मालूम है मराठी मानुष की भीतर क्या आग क्या लगी हुई है, जिस सरकार में वो पार्टी हो जो सावरकर को माफी कहती हो, गद्दार कहती हो, उसके साथ आप सरकार चलाएंगे सत्ता चलाने के लिए, सत्ता पाने के लिए? सत्ता के लिए तो कभी भी बाला साहब ठाकरे ने अपने परिवार के व्यक्ति को तो वो वैसे ही नहीं कहते थे, मनोहर जोशी को जब बनाया था वो किसी और को बना सकते थे, खुद बन सकते थे, नहीं बने वो। फहमीदा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोल लीजिए फहमीदा जी। आज सरकार चलाने के लिए जो पहले उनसे उनको सपने दिखाए कि आप हमारे साथ अलायंस करो, हम आपको आधा ढाई साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे, ढाई साल शिवसेना मुख्यमंत्री रहेंगे, भी नहीं किया क्या फहमीदा जी शिवसेना को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? फहमीदा जी आपके हिसाब से आज शिवसेना ने पहले बीजेपी के साथ ही थी, आज बीजेपी ने धोखा किया करके शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का सरकार बनाई ना। क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कल को शिवसेना आपको धोखा नहीं देगी बीजेपी के साथ जाकर? मैंने पहले ही कहा राजनीति का मंत्र है कि ना परमानेंट कोई दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है, ठीक है। जिस हिसाब से जैसे जिसका फायदा होता है वो काम करते हैं वो लोग, मलाई खाओ। चलिए ठीक है, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। मलाई तो हर बार बीजेपी खाती है, मलाई तो हर बार, आज पूरा देश जल रहा है, उसके बाद में वो अग्निपथ का जो है वो छुपाने के लिए अभी ये लोटस ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया, एक ना एक लोटस छुपाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आज पूरा देश जल रहा है, आज पूरा देश जल गया है कि लोटस। अच्छा अमिताभ जी रुक जाए ऐसे नहीं, अमिताभ जी ऑपरेशन लोटस का नाम संजय राउत ने भी दिया, ऑपरेशन लोटस का नाम कि ऑपरेशन लोटस है, कर्नाटक में भी ऐसे किया था, दो चरणों में गिराई थी। दो है एक ऑपरेशन येदियुरप्पा था जिसमें विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, सरकार बनी, दोबारा चुनाव हुए, विधायक जीत कराए, सरकार का बहुमत हो गया। दूसरा ऑपरेशन माधवराव सिंधिया था मध्य प्रदेश में, सिंधिया उसमें सारे लोग बाहर चले गए, यहाँ आए, सत्ता तो महाराष्ट्र, ये अगर 28 एमएलए चले गए वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि 2.5 साल इस बेमेल गठबंधन का नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? न एनसीपी को हुआ, न कांग्रेस को हुआ, सबने सत्ता की मलाई खाई। लेकिन अगर शिवसेना के एमएलए भाग रहे हैं आनंद जी, तो मुझे लगता है नुकसान तो जरूर हुआ है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि हिंदुत्व का एकमात्र पुरोधा मानी जाती थी शिवसेना, बाला साहब की एक आवाज पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र बंद होता था। वो उस मुंबई में, उस महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के एमएलए टूट रहे आनंद जी, तो ये मुझे लगता है कि इस बेमेल गठबंधन का सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को ही हुआ है। आप हमारे शुभचिंतक हैं, आपने हमें अभी सलाह दी सर आँखों पर, ठीक है, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, उत्कबियों को हम सुधारेंगे, लेकिन ये कह देना कि सरकार गिर जाएगी,
हम देशद्रोही लोग हैं, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, बीजेपी के साथ यदि आ जाएं तो हम सन्यासी और संत हो जाएं, हम महात्मा हो जाएं। ये सारी चीजें जो हैं वो देश की जनता देख और समझ रही है। ठीक है, अब हमें कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, जब हम लोकतंत्र प्रक्रिया में चुनाव में जाएंगे जनता हमें आशीर्वाद के रूप में दे देगी जवाब। आपको हमें एक बड़ी वजह क्या लगती है विनोद? लेकिन मैं फिर आपके आनंद जी, एक बड़ी वजह क्या लगती है, ये सब क्यों हो रहा है, ये 33 के 33 जा रहे हैं, आपका नंबर जो है 33, और शिंदे जी वजह क्या लगती है आपको? देखिए ऐसा है कि 33 गए नहीं है, आंकड़ों का आप लोगों का अनुभव नहीं है। जी जी, 33 नहीं जा रहे हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि एक अरे अभी आउट ऑफ रीच है, कल तक हो सकता है सब वापस आ जाएं। ये गए क्यों अभी आउट नहीं, अभी हैं, अभी आउट ऑफ रीच क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये क्यों जा रहे हैं? 2.5 साल से जिस मुख्यमंत्री को WHO से लेके प्रधानमंत्री जी ने सराहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के समय की तारीफ की हो, उस मुख्यमंत्री से लोग इतने नाराज हो जा रहे हैं कि रातों रात पलायन कर जा रहे हैं। नाराज आपसे नहीं है, कांग्रेस एनसीपी से है, केवल समझ नहीं रहे हैं। उद्धव जी के खिलाफ तो किसी एक शब्द नहीं बोला अभी तक। आनंद जी, उद्धव जी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोला, शिवसेना के खिलाफ। शिंदे जी की नाराजगी कांग्रेस एनसीपी से अलायंस से है। तो आज आपने नहीं, तो आज आपने अमन जी क्या किया, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बुलाया? अमन जी नहीं नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ऑफिशियली पूछा गया था, मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ, उन्होंने इस डिबेट पर आने से मना किया, मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको, अब बताइए। मैंने ऑफिशियली पूछा था, उन्होंने डिबेट में आने से मना किया, वो आपको नहीं बचा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो आपको नहीं बचा रहे हैं, आपका भी भरोसा निकल गया, आप भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आनंद जी ये जो 33 है, ये जो जा रहे हैं, अगर हम कल बीजेपी के साथ चले जाएंगे, अगर हम कल बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो अवधेश जी हमें फिर संत कह देंगे, कहेंगे इनसे सुंदर तो कोई पार्टी नहीं है, इनकी विचारधारा जैसे कोई दल नहीं है। अवधेश जी बोल लीजिए, अवधेश जी, अवधेश जी, वॉशिंग मशीन है। अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, देखिए अमन जी, अब आनंद दुबे जी की अपनी पीड़ा है, वो व्यक्तिगत मुझे बता सकते हैं, टीवी पर नहीं बोलेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए सरकार मान लीजिए 2-4 दिन आगे पीछे जाएगी, लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी की चूल हिल गई है और सरकार की नींव हिल चुकी है। अब ये एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, कहना कठिन है। और सबसे जो इसमें जो मूल बात आ गई है कि अब शिवसैनिकों ने जता दिया है कि एक बार चुनाव में भाजपा के साथ जीतने के बाद जो कुछ आपने किया है अभी तक वो गलत था, उसके साथ हम नहीं है। तो ये साबित हो गया कि हम सब लोग जो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल गलत किया है, वो आज शिवसैनिक साबित कर रहे हैं। इसलिए आनंद दुबे जी, आप साथ चले भी जाएंगे तो ये जो अध्याय, ये जो चैप्टर है, वो अमन जी हो, मैं हूं, हमारे जैसे लोग बार बार और दूसरी पार्टियां भी कोट करके। अच्छा, एक अपडेट है मेरे पास, उस बीच आपने क्या क्या बोला था? एक अपडेट है, एक अपडेट है, ये विधायकों को गुवाहाटी भेजा जा रहा है अब 9:30 रात को सूरत से। एक अपडेट है, ये जो 37 शिवसेना के विधायक, एक अपडेट दे रहा हूं जल्दी से, 37 शिवसेना के विधायकों को बड़ी खबर है अब सूरत से गुवाहाटी, ये वो लोग 9:30 रात को गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी मतलब पहले बताया जा रहा था कि महाभारत महाराष्ट्र में, फैसला गुजरात में, अब महाभारत महाराष्ट्र में, फैसला असम में। अमिताभ जी, गुवाहाटी भेजा जा रहा है, 9:30 निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। 37 आनंद जी, 37 दूरियों से नजदीकियां बढ़ेंगी। हाँ, अरे 22 तो हमारे वर्षा पे बैठे हैं। जी जी, उसमें MLC भी होंगे सर, MLC भी होंगे उसमें, MLAs की बात, विधायक MNS के तो हम प्रवक्ता नहीं है, हम नहीं जानते सर। MNS MLAs, MLC, ML पूजा करेंगे, भूत प्रेत सबसे रक्षित होंगे सब विधायक। अमन जी जी, जल्दी से 10 सेकंड्स, ये अगर अपनी मर्जी से गए हुए हैं तो पुलिस का कहरा इतना, फिर इनको चुपचाप से इधर से उधर ले जाना, ये सब क्यों? अगर आप गुवाहाटी जा रहे हैं शिवसेना के 37 MLA सूरत से रात 9:30, सौ बात की एक बात,